सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वाथेरेपी। आज हम आपको नियॉन टेट्रास और कार्डिनल टेट्रास के डिफरेंसेस और कौन सा आपके लिए बेटर होगा ये बताएंगे। तो गाइस, नियॉन टेट्रास और कार्डिनल टेट्रास दोनों काफ़ी हद तक सेम होते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो कि इनके अपीयरेंस में आता है, जो आप इस पिक में देख सकते हो। और साथ ही साथ इनमें और डिफरेंसेस आते हैं इनके साइजेस में और इनके हार्डनेस में। नॉर्मली नियॉन टेट्रास कार्डिनल टेट्रास से छोटे होते हैं। नियॉन टेट्रास का साइज अगर आप देखें तो 1 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक का होता है, जबकि कार्डिनल टेट्रास का साइज 1.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक का होता है। अगर हार्डनेस की बात करें तो भी कार्डिनल टेट्रास नियॉन टेट्रास से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। नियॉन टेट्रास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं खराब वाटर कंडीशन से या फिर पीएच अपडाउन से। अगर ब्रीडिंग की बात करें तो नियॉन टेट्रास या फिर कार्डिनल टेट्रास दोनों को ब्रीड करना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इन्हें ब्रीड करने के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक वाटर पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। अब अगर ये क्वेश्चन आए कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कार्डिनल टेट्रास या फिर नियॉन टेट्रास, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से कार्डिनल टेट्रास नियॉन टेट्रास से काफ़ी बेहतर होते हैं। जैसे कि कार्डिनल टेट्रास को काफ़ी कम ब्रीड किया जाता है तो ये इजीली डिजीज़ कैच नहीं करते हैं, मगर नियॉन टेट्रास को बहुत ज़्यादा ब्रीड किया जाता है जिसके वजह से ये ईजिली डिजीजेस कैच कर जाते हैं। तो गाइज़, आप नियॉन टेट्रा लो या फिर कार्डिनल टेट्रा लो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप इन दोनों में से जो भी फिश लेते हो इन्हें हमेशा 8 से 12 के नंबर में रखो, क्योंकि ये स्कूलिंग फिशेस हैं तो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और काफ़ी सारे प्लांट्स आप दो जिसकी वजह से इन्हें अपना एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले।